फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश टू कंग्रेचुलेट ईच पेरेंट ईच चाइल्ड कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अ प्लॉज फॉर ऑल द चाइल्ड जोर से हम तालियां बजा सकते हैं क्या <laughs> चूंकि आज स्पीच देने का समय नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में दो बातें समझाता हूँ एक पेरेंट पर पे मैं बात करूंगा दूसरा स्टूडेंट पर बात करूंगा एंड आई शल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोध ताकि आपको आसानी से दोनों बातें समझ में आ जाएं। पहले मैं पेरेंट पर आता हूँ क्योंकि ये मेरी स्पेशलाइजेशन है पेरेंट में पी आता है ए आता है आर आता है ई e आता है एन और टी आती है राइट और रॉन्ग ज़ोर से बोलिए पी का मतलब है प्रयोरिटी यानी आपकी जिंदगी में आपके बच्चे के अलावा और कुछ प्रयोरिटी नहीं होनी चाहिए बाकी सब बाद में 25 साल लग जाते हैं एक बच्चे को तराशते हुए मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तराशते हुए लेकिन 25 साल बाद जब आपका बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है कि आज मैं जो भी हूं अपनी मां और पिताजी के वजह से हूं उस वक्त जो आपके आंखों से आंसू गिरेंगे वही आपका रिवॉर्ड है जो पच्चीस साल आपको मिलेगा उससे पहले कोई रिवॉर्ड नहीं है उससे पहले तकलीफ है कष्ट है परेशानी है बहुत तकलीफ है लोग बहुत कमेंट करेंगे क्योंकि लोग तुलना करेंगे आपको कि देखियो मैं तो ऐसे कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं आप केवल बच्चों में लगे हुए हैं एक बच्चे को बनाना एक मंदिर को बनाने की तरह है एक पेंटिंग को बनाने की तरह है सो so, पी का मतलब है प्रायोरिटी, यानी योर चाइल्ड इज योर प्रायोरिटी ए का मतलब है एम्बिशन आपको अपने बच्चे के अंदर अभी से एम्बिशन डालना पड़ेगा उसके सपनों को दीवार पर प्रिंट आउट लिख कर पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता है पिक्चर में देखता है सो इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बिकम अ टॉप क्लास अचीवर आप अपने बच्चे को अगर टॉप क्लास अचीवर बनाना चाहते हैं तो उसकी फोटो के साथ उस व्यक्ति की फोटो लगाएं जो उसका रोल मॉडल है धीरे धीरे आपके बच्चे के अचेतन मन में यह पिक्चर काम करनी शुरू करेगी धीरे धीरे हमारे मन के सात लेयर हैं पहले लेयर से आप मुझे सुन रहे हैं छ अभी घर पे जाके काम करेगा तो आपके बच्चे के अचेतन मन में अनकॉन्शियस माइंड में चाइल्ड विल हैव पिक्चर द पिक्चर विल गो एंड पिक्चर विल गो एंड अ डे विल कम योर चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली अचीव द एम्बिशन बिना एम्बिशन के माइंड डल हो जाता है पी ए आर स्टैंड फॉर रेस्पेक्ट अब मैं आपको समझाता हूँ आप देखेंगे अगर बच्चा कोई गलत अल्फाज यूज़ कर रहा है गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है हमारे जीवन में दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है टोन ऑफ वॉइस मेरे आवाज़ और शब्दों का चुनाव अगर आपके बच्चे की टोन ऑफ वॉइस अच्छी है और शब्दों का चुनाव अच्छा है तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे मेरा विनम्र निवेदन है आप अपने घर में अपने आवाज और शब्दों को जरा मॉनिटर कीजिए बच्चा सुन के नहीं बदलता है देख के बदलता है तो आपके घर में जिस टोन से बात हो रही है जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है द चाइल्ड कॉपीज दैट टोन ऑफ वॉइस एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स। सो पी मतलब प्रायोरिटी ए मतलब एम्बिशन आर मतलब रेस्पेक्ट ई e का मतलब होता है ईगरनेस बच्चे के अंदर ईगरनेस होनी चाहिए नई चीज जानने की अब टेक्नोलॉजी का जमाना है आने वाले दस साल में ऐसे प्रोफेशन आएंगे जो कन्वेंशनल प्रोफेशन से अलग होंगे तो आपको बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ ईगरनेस आनी चाहिए कि मैं नया क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं नया क्या देख रहा हूं तो बच्चे की ईगरनेस आप बढ़ाएं ई का दूसरा मतलब भी होता है इंग्लिश इस माइंडसेट से बाहर निकल जाइए कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है इट इज मैंडेटोरी इंग्लिश इज कंपल्सरी इसको अन्यथा मत लीजिएगा इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आप घर में यूट्यूब को देखते हुए धीरे धीरे अंग्रेजी में बच्चों के साथ बात करना शुरू करें यूट्यूब को देखते हुए धीरे धीरे अंग्रेजी में बात करना शुरू करें क्योंकि अब कोई लोकल बच्चा नहीं है अब वी आर ऑल इंटरनेशनल तो पी मतलब प्रायोरिटी ए मतलब एम्बिशन आर मतलब रेस्पेक्ट ई e मतलब ईगरनेस एन इंग्लिश यहां तक क्लियर है तो एक बार हाथ उठाइए वाह एवरीबॉडी सो पी ए आर ई एन एन का मतलब होता है नो अगर आपको लगता है ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए आई रिपीट अगर आपको लगता है ये काम बच्चे को नहीं करना है तो नहीं करना है वो थोड़ा चिल्लाएगा जिद करेगा लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगा ये गलत है तो गलत है गलत सही की परिभाषा घर से मिलती है बाहर से नहीं मिलती है मेरी बात आप तक पहुंच रही है हाथ उठा जाइएगा नो no मतलब नो no, ये नहीं करना है अगर आपके अंदर से लगता है ये काम नहीं करना नहीं बच्चा है वो धीरे धीरे वैसे ही संस्कार बन जाएंगे फाइनली का मतलब होता है टैलेंट टैलेंट का मतलब होता है आपके जन्म से मिली हुई क्षमता उदाहरण के तौर पे जब मैंने अपना जी जी क्यू जी जी क्यू का मतलब होता है गॉड गिवन क्वालिटी जी जी क्यू गॉड क्वालिटी तो मैंने बचपन में अपना टैलेंट डिस्कवर किया माइक्रोफोन पे बोलना मुझे बहुत पसंद था गाना गाना मुझे बहुत पसंद था स्पीच देना मुझे बहुत पसंद था तो जो मैंने बचपन में टैलेंट डिस्कवर किया आज वही मेरा प्रोफेशन है तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए किस काम में ये खाना खाना भूल जाता है घड़ी देखना भूल जाता है टायर्ड होना भूल जाता है काम करने के बाद और एनर्जी आ जाती है वो भगवान का दिया हुआ टैलेंट है अगर उस टैलेंट के साथ एकेडेमिक्स को ऐड करके करियर बना पाए तो वो जिंदगी में बोर नहीं होगा जिंदगी में बोर नहीं होगा वो हमेशा खुश रहेगा हमेशा सो ये हो गया पेरेंट के ऊपर अब मैं आ जाता हूं स्टूडेंट क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम कभी हम देंगे तो 90 मिनट लगते हैं बट पेरेंट वाला कंप्लीट हो गया पी का मतलब ए जोर से आर रेस्पेक्ट ईगर e, और इंग्लिश दो है एन मतलब नो no. टी मतलब अब मैं स्टूडेंट पे आ जाता हूं एस का मतलब होता है स्मार्टनेस आपके बच्चे को आज की डेट में पर्सनैलिटी वाइज लुक वाइज बोलने वाइज स्मार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी भी रखें अगर स्मार्टली खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है सो so, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा एस का मतलब स्मार्ट अच्छा टी का मतलब फिर हम आ जाते हैं घूम के टैलेंट जो मैंने पहले समझा दिया है। एस टी यू यू का मतलब समझिए यू का मतलब है यूनिक आपको अपने बच्चे को नंबर वन नहीं बनाना है अपने टैलेंट में यूनिक बनाना है समझ में आया तो एक बार हाथ उठाइएगा नंबर वन की दौड़ में मत जाइएगा वो किस काम में यूनिक है उसको ऑब्जर्व कीजिए अगर अपने काम में वो यूनिक हुआ तो नंबर वन अपने आप बन जाएगा समझ में आई बात एस का मतलब स्मार्टनेस टी का मतलब टैलेंट यू का मतलब यूनिक अब रह गया क्या डी ई एन टी डी का मतलब होता है डेयरिंग करेजियस अपने बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए कि वो खड़े होकर प्रश्न पूछे अपनी बात रखे अगर आपने ऐसा बच्चा देखा ये देखिए सिकुड़ा हुआ बिल्कुल ऐसे करके चल रहा है कभी जिंदगी में स्टैंड नहीं कर पाएगा बच्चे को सिखाना है स्ट्रेट स्टैंड होना है चेस्ट अप होना है आई कांटेक्ट मेंटेन करनी है और प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए सो डी स्टैंड फॉर डेयरिंग एस टी यू एन डी ई का मतलब होता है एनर्जी आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चे की एनर्जी किसी कारण डाउन तो नहीं हो रही है कोई इश्यू तो नहीं है बच्चे से बात करना शुरू कीजिए एन का मतलब आ जाता है यहां पे पहला एन था नो no. यहां एन का मतलब आ जाता है न्यूनेस नई नई चीज सिखाते रहिए नई भाषा नई हुनर नई स्किल नया ज्ञान जिसके पास एक वीक में अगर आपका बच्चा कोई एक नई चीज सीखता है तो बावन वीक में ही और शी इज लर्निंग फिफ्टी टू स्किल्स बावन ज्ञान प्राप्त होते हैं बावन वीक में और फाइनली टी आता है स्टूडेंट के फाइनल वर्ड में टी है टी का मतलब है बच्चे से बात कीजिए अगर वो रूम में अकेला बैठ गया है तो कोई डिप्रेशन में है कोई एंजाइटी में है खाना कम खा रहा है तो एंजाइटी में है रात को नींद नहीं आ रही है तो डिप्रेशन में उसको बुलाइए साथ बैठ के खाना खिलवाइए नहीं तो उसको फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी सो so, टी का मतलब है टॉकिंग अपने बच्चे से बात कीजिए ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो इसका रिवॉर्ड अभी नहीं मिलेगा तीस साल बाद मिलेगा कि मेरी मम्मी ने मेरी जिंदगी बना दी